Shrishti, आज हम अपने पति के साथ हैं और तुम तुम्हारा पति छोड़ रही हो। अरे भौजी देखिए कौन आए हमारे घर रिश्ता लेके। इनका परिवार माधवपुर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है। उस दिन विशु ने डाइवोर्स के पेपर फाड़े थे, कोई साइन करवाने आए थे। वो कहा है रागिनी बहुराने के साथ विशु जो है बाहर गया है। मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें विशु को डिवोर्स नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर चीजों को सही और गलत के चश्मों से देखना है तो तुम जो कुछ भी कर रही हो उसमें कुछ गलत नहीं है। Just be normal. Okay. Shrishti ji. Shrishti ji. कहाँ हो Shrishti ji? आप रो कह रही हैं? ये कहाँ हुआ Shrishti ji को? कुछ नहीं विशु, सब ठीक। Shrishti ji आप हमारे साथ घर चलिए। हम ना आपसे वादा करते हैं, हम आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे Shrishti ji। देखो वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, ऐसे मत करो प्लीज। आपको भी परेशान होने का जरूरत नहीं है मिस्टर जी। हम देवर जी को लेकर आए और हम ही देवर जी को वापस लेकर जाएंगे। चलिए देवर जी, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलिए। नहीं भाभी, भाभी हम अपनी पत्नी को घर लेके ही जाएंगे। अरे छोड़िए ना देवर जी, जहाँ लोग नमक लेके बैठे हो वहां जख्म दिखाने का कोई फायदा नहीं। चलिए अपना ध्यान रखना। कहीं रागिनी और विशु Shrishti के पास तो नहीं पहुंच गए? Shrishti सब ठीक है? विशु जी आए थे रागिनी के साथ। वो तुम्हें बाद में कॉल करते। हेलो Shrishti, हेलो हेलो रागिनी मेरी सारी मेहनत पर पानी डाल रही है। मैं विशु को जितना Shrishti से दूर लाने की कोशिश कर रहा हूँ वो रागिनी अब उन्हें पास लाने की कोशिश कर रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं और इस बार इसकी किस्मत भी इनका साथ नहीं देगी। तुम अभी तक यह खड़े हो, गए काहे नहीं? अच्छा हम चलते हैं, आप प्लीज उन पेपर पर साइन करा दीजिएगा। देखो कहीं ज्यादा जल्दबाजी ना हमको है Shrishti से छुटकारा पाने का, समझे? और ये बात जो है ना उसको बता देना। आप बार बार Shrishti को बीच में लेकर क्यों आती हैं? सच पूछिए तो सबसे ज्यादा जल्दी हमको है, इसलिए रात तो रात हमने ये पेपर्स बनवाए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजों से वो बहुत जल्द आजाद हो जाए। मेरा मतलब है वो और विशु दोनों। ठीक है अब हम चलते हैं। पता नहीं काहे बाकी हमको ऐसा लगता है ना कि Shrishti के तलाक में जरूर एक कर कोनो फायदा है। तो लरिया लग तो हमें भी कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन का है कि हमको इनसे कहीं ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए हम चुप बैठे हैं। फोन बज रहा है तुम्हारा। अरे बाप रे, ये तो रागिनी बहुरानी का मैसेज है। आधे घंटे में विशु को लेकर यहाँ पहुंच रही है और अभी तक हम इन लोगों को रवाना नहीं किए, क्या करें? हमारा इतना सारा जमीन जायदाद जो है ना उसके चलते वकीलों का आना जाना बहुते लगा रहता है।
अच्छा ये बताइए भाई साहब, आपका भी माधोपुर में अच्छा खासा जायदाद होगा का? सिर्फ माधोपुर का है बहन जी, आपके पूरा जिला में हमारी प्रॉपर्टी है और यहाँ आपके गांव के पास वाला सारा जायदाद हमारी बिटिया को देने वाले हैं। ये तो बहुत ही अच्छा बात है भाई साहब, अगर ऐसा है तो चट मंगनी पट ब्याह कर लेते का है? है देवर जी, आज ही पंडित जी को बुलवा कर मुहूर्त निकलवाइए। है हाँ बिल्कुल, आज ही बात कर लेते पंडित जी से भी। ये सब तो ठीक है, बाकी एक बार बिशु जी को अपना आँख से देख लेते, हम लोग तो तनी आँख ठंडा जाता हमारा। सो तो है, रुका है बिशु जो है ना, वो बड़की बहुरिया को बाजार दिखाने ले गया है, आने में बहुत देर हो जाएगा। अरे तो कोई बात नहीं बहन जी, हम भी फुर्सत से है, इंतजार कर लेंगे। लीजिए नाश्ता करिए। हैं देखिए अपना बिशु का फोन भी आ गया, हम बतिया लेते हैं। हेलो, हाँ हाँ बिशु, हाँ बोलो बोलो। अरे हम कह रहे हैं भैया, ये का पूरा बाजार अपना खरीदवा दोगे भौजी को? का हुआ? अरे अरे अच्छा अच्छा अच्छा, अब कोनो बड़ा समस्या तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, तुम देखो हम हाँ ठीक है ठीक है ठीक। जी क्या हुआ, क्या कह रहा है? रागिनी की अम्मा है ना बीना जी, उनका तबीयत खराब हो गया तो बिशु रागिनी को लेके उनके अम्मा के घर चला गया। अब कह रहा है कि समय लगेगा, मतलब रात भी हो सकता है। अरे बाप रे, अब क्या किया जाए? अब चौहान साहब जो है वो पूरा रात रुक कर तो इंतजार नहीं ना कर सकते हैं बिशु का, अब कैसे? कोई बात नहीं बहन जी, आज नहीं तो कल बिशु जी की मुलाकात होनी है। हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। बैठिए बैठिए, ऐसे कैसे जाएंगे हैं आप? कल जन्माष्टमी जो था तो प्रसाद तो लेकर जाइए हैं, दुलरिया जाओ तनी प्रसाद ले आओ, जाओ। हाँ हम लेके आते हैं, काहे कि भगवान के मर्जी से तो सब हो रहा है। क्या है पूरा रात ना सही, लेकिन तनी देर तो हमारे साथ बैठ ही सकते हैं, बैठिए बैठिए। हे भगवान, ये बिशु कहीं इधर आके बवाल ना करते, इसका मति पलट दीजिए भगवान। आई लीजिए प्रसादी है भगवान का है। भगवान का प्रसाद खाली है तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझी। हाँ। अगर बिशु इधर आ जाता तो सब गुड़ गोबर हो जाता। आओ भाई। ब्रिजबान बाबू, आप जल्द से जल्द पंडित को मिलिए और अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए, इस शुभ काम में विलंब ठीक नहीं अभी। हाँ कैसी बात कर रहे भाई साहब, आपसे ज्यादा जल्दबाजी तो हमको है।
हम तो चाहते हैं कि शांति बिटिया जो है जल्द से जल्द घर की बहुरिया बन के आ जाए बस। अरे बहन जी, अब तो ये आपका ही अमानत है, जब चाहिए ले आइए। वो तो है। अच्छा, अब आदेश दीजिए। आइया वो गाड़ी तक छोड़। किस्मत अच्छा है तुम्हारा, बाकी सनिचर का क्या करोगी? आज अब घर में सुनामी आके ही रहेगा। अब ये हमारे बड़के भैया। नमस्ते भैया। ये सुरेंद्र चौहान जी हमारे मित्र। हम इनको गाड़ी तक छोड़ के आते हैं। दिमाग तो ठीक है ना आपका? हाँ, क्या चल रहा था यहाँ? विशु का ब्याह करवाने के लिए आप लड़की वाले को बुला रही घर में? एकदम पगला गई क्या? इस पागलपन में इन्हें रोकने के बजाय इनका इनका साथ दे रहे हो। अरे विशु बेटा का दूसरा ब्याह करवाने का हम सोच भी कैसे सकते हैं? काहे? आप विशु की शादी के लिए सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते हैं। आप करवा कर लाए थे ना विशु का ब्याह उस सृष्टि के साथ, कहा अंजाम हुआ है उस शादी का है? बेटे के मुंह पर तमाचा मारी है वो तलाक का। अरे उसका दूसरा ब्याह करवा कर हम थोड़ा सा खुशी अगर विशु के लिए बटोरना चाहते हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं श्रीमती जी, तलाक हुआ नहीं है, तलाक का सिर्फ नोटिस दिया है सृष्टि बहू ने। अरे ऐसे में हम सबको मिल के उस रिश्ते को बचाने का कोशिश करना चाहिए। और आप कभी तो समझिए चीजों को, तलाक का नोटिस इस घर पे आई एक आपदा है, विशु का दूसरा ब्याह करवाने का मौका नहीं। हम भी विशु की मां है, उसका दर्द हम समझ सकते हैं। एक बार आप अपने मन की कर चुके हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। अब हम वही करेंगे हमको ठीक लगेगा और जिसमें हमारा बेटा का भलाई होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता श्रीमती जी, कुछ भी नहीं। और हाँ, हमारे बेटे की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सासू मैया बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रही है, देवर जी शादी कभी नहीं स्वीकारेंगे। जाओ हमारे लिए ठंडा पानी ले आओ। हाँ ला के देते हैं, तुमको जरूरी भी लग रहा है। क्या हुआ माँ? पापा इतने गुस्से में क्यों थे? अरे कुछ नहीं बेटा, वो विशु के लिए लड़की वालों को बुलवा लिया था, इसी बात पर आग बबूला होकर गए। विशु को देखने के लिए लड़की वाले आए थे? मतलब आप विशु की दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं? उसका डिवोर्स रोकने के बजाय उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं? माँ क्या हो गया आपको? माँ आप जानती हैं इसका असर विशु पे क्या पड़ेगा। अगर आज आप उसको सृष्टि के सामने से रोते बिलखते देखती ना तो शायद ऐसी बात नहीं करती। प्लीज माँ ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा जिससे इस घर की शांति भंग हो जाए। प्लीज
मिलने गया था? का मतलब है रागिनी बहुरानी वो ऐसा कैसे कर सकती है? हम से बहाना बनाकर विशु को सृष्टि से मिलाने लेकर गई थी काहे? आपका अनुमति हो तो हम तेवर जी को अपने साथ ले जाते हैं। ले जाओ है बेटा। अगर अगर कोई गलती है तो बताइए ना श्रृष्टि जी, हम उसे सुधारेंगे श्रृष्टि जी, पर आपसे दूर हो चाहिए, हम आपके बिना नहीं रह सकते श्रृष्टि जी। हम श्रृष्टि जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आज यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा घर जाकर कुछ और काम कर ले। डिवोर्स के बारे में पता चल गया। बिटिया, ये क्या कर दिया तुमने? रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लिया, वो भी अकेले? कम से कम एक बार हम लोगों को बता ही दिया होता। हम लोग भले ही तुमसे दूर रहते लेकिन मर थोड़ी ना गए हैं। बिटिया, इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आता, लेकिन हमें रोज रोज कोशिश करनी पड़ती है उस रिश्ते को संभालने के लिए, उसे उसे बचाने के लिए बेटा, और इसी का नाम जिंदगी होता है। ये तलाक लेने का मतलब तो बेटा जिंदगी को ही खत्म कर देना होता है बेटा। इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जल्दबाजी में ऐसा कोई काम ना करना बेटा जिससे तुम्हारे मायके और ससुराल वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। किस ससुराल के बारे में बात करें सर आप? हम तो विद्वान जी के घर से ही अभी आ रहे हैं सर, वहां पे तो वीशु की दूसरी शादी की तैयारी चल रही है। लेन देन की रकम भी तय हो चुकी है, बस मुहूर्त निकालना बाकी है। दहेज में मोटी रकम मिल रही है शायद सर, वो सब तो वीशु के डाइवोर्स से बहुत खुश हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो हमारी विद्वान जी से बात हुई थी, है ना बेटा? सर हमें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, मगर ये सच है कि विशु की दूसरी शादी की वहां पर तैयारियां चल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने हमसे वादा किया था, विद्वान जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम चाहते बाबूजी, बाबूजी अब ठीक तो है ना बाबूजी? बाबूजी बाबूजी बैठिए, बाबूजी आप शांत हो जाइए, हमको लगता है कोई गलत फहमी हुआ है, बस आप शांत हो जाइए बाबूजी। सर प्लीज पानी पीजिए और इन सब चीजों के बारे में फिक्र मत कीजिए, हम सब संभालेंगे सर, हमें ख्याल रखिए। पापा घर चलते हैं, सुमेर भैया पापा को घर लेकर चलते हैं, चलिए। अगर सासू मैया ने देवर जी का दूसरा शादी करा दिया तो उन्हें तो कानून की देवी के जाने से भी ज्यादा दुख होगा। बहुरानी, तुमने हमारा मन बहुत ही दुखी किया है, काहे छिप छिप कर ये सब कर रही हो? अरे काहे बिसु को कानून वाली से मिलवाने गई थी? देखिए सासू माँ, हम आपसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन हमसे देवर जी का हालत नहीं देखा जा रहा है, हम तो बस उनका मदद करने का कोशिश कर रहे हैं। देखो बहुरानी, तुम एक बहुत ही बड़े घर से हो इसलिए तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है, तुम सबका भला सोचती हो,
लेकिन बिसु का भला सोचने के लिए अभी हम जिंदा हैं। उसका अच्छा बुरा हम जानते हैं, इसलिए बिसु के बजाय तुम अपना और अनुराग का रिश्ता पर ध्यान दो, ज्यादा बेहतर है। बिसु का क्या करना है वो हम देख लेंगे। ससुरा जब कुछ गलत करते थे तो भगवान हमारा साथ देता था, और आज कुछ सही करने जा रहे हैं तो सासू मैया चार बात सुना के चली गई हमें। कहा ना हमको नहीं खाना, ले जाओ ये सब यहाँ से। हमें बस सृष्टि जी के पास जाना है, जाओ सब लोग यहाँ से। देवर जी को कहा होके जाके देखते हैं। क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसका बदला तुम विशु से नहीं ले सकती। हम कोई बदला नहीं ले रहे, हम देवर जी का मदद कर रहे हो। छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। दर्द मुझे भी हो रहा है रागिनी। विशु मेरा भाई है और उसकी जिंदगी का फैसला मुझे लेने दो। उसके साथ क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, और तुम सिचुएशन का फायदा उठाना बंद करो, समझी? हम रागिनी से मौके का फायदा उठाते, मजबूरी का नहीं, समझे आप?